Yes, good. Sit down fast, beta, who are standing? Sit down. Take your place. Yes, good. Good. All the sections can hear me. थोड़े से क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के वो खत्म करते हैं आज, ठीक है? एंड विल बी फिनिशिंग इट विद योर हेल्प. क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक कल हमने किया था. यू डिड वेरी वेल यस्टरडे. काफी अच्छा रिस्पांस था आपका. यू टोल्ड मी मेनी यू नो फॉर्मूलाज ऑल्सो, टेक्स्ट ऑल्सो, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, ठीक है? यू हैव बिकम एक्सपर्ट नाउ, ठीक है? डू इट कॉन्फिडेंटली. व्हाट इज यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग दिस ऑल प्रैक्टिस? दिस ऑल प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. इट विल मेक यू फेयरलेस. यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ये चैप्टर आपका पूरा रेडी है एग्जाम के लिए. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 इज सिंप्लीफाई एंड राइट एज पावर ऑफ 10. अब आपके पास एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको पावर ऑफ 10 में लिखना है हमने. बाकी जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन किए उसमें कोई भी पावर आती थी, कोई भी जो नंबर आता था उसकी पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम आंसर लिख देते हैं. अभी दे हैव टोल्ड अ पर्टिकुलर कंडीशन कि पावर ऑफ 10 में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. एंड नंबर्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. यू नो इट इज 200, इट इज 50, इट इज वेरी इजी. दैट यू कैन रीच टिल 10. आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि 200 और 50 को आप 10 तक पहुंचा सकते हो, ठीक है? अभी यू हैव टू थिंक ऑफ इमीडिएट नंबर जो आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए. किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे इसको ब्रेक करें, 200 को कैसे ब्रेक करें? देर आर सो मेनी वेज. यू कैन डू 2 × 100, 2 × 100 कर सकते हो, ठीक है? यू कैन डू अदर वे ऑल्सो, 100 को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हो. बट सिंपलेस्ट आपको ये लग रहा है कि 2 × 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है? तो यू ऑल्सो डूइंग दिस वे, लिखना शुरू कर दो इसको 2 × 100. कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल डू लेटर. पहले इसको यहीं पे लिखो सिंपलेस्ट वे में कि माइंड में इमीडिएट जो आपकी आ रहा है वो आ रहा है कि 2 × 100 विल बी 200, ठीक है? अगर हमें जरूरत होगी तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे. सिमिलरली 100 को फिफ्टी 10 रेज टू पावर 10 भी लिख सकते हैं। 10 raised to power 10, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे, ठीक है? पहले इसको सोचो, 5 × 10. यू नो इमीडिएट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में इमीडिएट नहीं आता. अभी आपने तो बता दिया कि यस वी कैन राइट इट फर्दर एज दिस. तो एट प्रेजेंट जो एक स्टेप हम कर रहे हैं दोनों के लिए, पहले हम उसको लिख लेते हैं. अबाउट 200 इट इज 2 × 100, अबाउट 50 इट इज 5 × 10, ठीक है? नाउ आप किस बच्चे ने मेरे को बोला था कि कैन वी राइट 10 raised to power 10? विच क्लास? 7 थी। 7th. ओके, आपने बताया था. नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. ये क्वेश्चन तो हम आगे प्रोसीड करेंगे. आपने बोला कि कैन वी राइट इट एज 10 raised to power 10. इसका मतलब क्या है? 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 10 बार इसको लिखोगे आप, 10 times लिखोगे. 10 रेज टू पावर 2 बोला था। आपने 2 बोला था. यस, देन इट इज फाइन. आई थॉट ऑफ एज यस यू कैन राइट पावर 2 नाउ. यस यू कैन राइट इट एज 5 × 10 raised to power 8. इसको हम कुछ भी नहीं कर रहे अभी क्योंकि हमें 10 चाहिए. वी विल नॉट ब्रेक 10. प्लीज रिमेंबर, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एज पावर ऑफ 10, तो हम 10 को बचा के रखेंगे. दिस इज फाइन. फ्यू चिल्ड्रन हु आर इंटेलिजेंट, हु आर गुड इन दिस चैप्टर, हु हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, दे विल कम टू नो अबाउट दिस स्टेप डायरेक्टली, ठीक है? आई एम राइटिंग इन डिटेल ताकि सब बच्चों को समझ आए. जो थोड़े से वीक बच्चे हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको भी समझ आए, जो शार्प बच्चे हैं उनको भी समझ आए. हुआ शार्प, दे विल रीच एट दिस स्टेप डायरेक्टली, ठीक है बेटे?
यहाँ पे ये 10 की पावर 1, 5 की पावर 1। नाउ यू कैन सी वी हैव 2 एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा एंड वी हैव 10 ऑल्सो। तो 10 को हम बचा के रखते हैं, 10 को मैंने मार्क कर लिया कि इसको मैं हिलाऊंगी नहीं यहां से, वी विल नॉट ब्रेक 10, बट वी विल अप्लाई द लॉ, वी विल राइट इट एज 2 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 8। हमने क्या किया इस स्टेप में, हु विल टेल मी? सेवंथ ए सेक्शन, दिव्यांश, दिव्यांश आ गया हूं। व्हाट वी हैव डन इन दिस स्टेप? सेपरेट किया है अभी सेपरेट किया है, किनको सेपरेट किया बेटा? मैम, 2 और 10 के पेयर्स को और 5 और 10 के पेयर्स को। हाँ, हमने सेपरेट किया क्योंकि हमें लॉ पता था कि अगर हमारे पास बेस डिफरेंट होता है, पावर एक होती है, सेम होती है, देन वी कैन राइट देम सेपरेट। लॉ किया हुआ है आपने, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू ab रेज टू पावर m। एवरीबडी रिमेम्बर दिस रूल, हमने ये वाला रूल लगाया है यहाँ पे। बेस डिफरेंट है, पावर जो है उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब जो आपका लॉ होता है वो यहां से यहां भी लग सकता है, यहां से यहां भी लग सकता है, बोथ वेज होता है आपका लॉ, प्लीज रिमेम्बर। तो अभी आपने जो लॉ लगाया दैट इज हमने जो एक पावर थी उनको हमने सेपरेट करके लिख दिया क्योंकि हमने 10 और 2 को सेपरेट किया, राइट इट 2 रेज टू पावर 10, सॉरी रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 16 इंटू 10 रेज टू पावर 8। हमने क्या किया, 5 को उठा के 2 के पास ले आया यहाँ पे और 10 10 सेपरेट हो गया। दिस इज 16, वी हैव ओपन द ब्रैकेट, 8 टू 16। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीबडी? Raise your hand who have understood till here. We are going slowly. Yes, very good. अभी हमारा काम क्या है, हमें 10 में लेके आना है सब कुछ, ये तो ऑलरेडी 10 में है। इसको कैन वी राइट इट इन अदर फॉर्म? 2 एंड 5 को कैसे खत्म करें यहां से, हमें तो 10 चाहिए। वट शुड वी डू? बी सेक्शन, अमन अमन जैन, 7B, अमन प्लीज कम, प्लीज एब्सेंट। मैम नो यस ओके बेटा, हाँ जी बताओगे आप बेटा इसको क्या कर रहे हैं अभी? प्रॉब्लम इस इन दोनों की है, 10 10 तो आ गया हमारे पास, व्हाट शुड वी डू हियर? माइनस नो, थोड़ा और सोचो। बी सेक्शन माधव, एब्सेंट ओके दैट गर्ल नोज जो आपके पीछे है, यस, मल्टीप्लाई 2 एंड 5 विद ईच अदर। 2 एंड 5 मल्टीप्लाई टूगेदर, राइट इट 8 हियर। सेम लॉ जो यहाँ पे किया वही सेम हमने दोबारा लगा दिया, इंटू 10 टू पावर 16 इंटू 10 रेज टू पावर 8, इट हैज बिकम 10 रेज टू पावर 8। ये आपके पास बन गया 10 रेज टू पावर 8। ऑल द क्वेश्चन हैज चेंज इन टू पावर ऑफ 10, 10 10 10, सेम बेस आ गया आपके पास। टेल मी द लास्ट स्टेप, 7D सेक्शन, मंजोत, टेल मी द फाइनल आंसर। वी हैव डन मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पावर यस, मैम 10 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 16 +8। ओके तो आपने फिर इन दोनों को तो प्लस कर दिया, इसको क्यों नहीं किया प्लस? 32 जब आपने रूल पढ़ा है, दो के लिए पढ़ा है, तो दो दो नंबर्स के लिए ए एंड बी के लिए रूल पढ़ा है, तो वो सबके लिए अप्लाई होगा ना?
मैम एबीसी हो यस, तो भी, एबीसीडी हो तो भी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, 10 रेज टू पावर 32। 10 raised to power 32, राइट? हाँ दिस विल बी योर फाइनल आंसर. वेरी गुड. प्लीज रिमेम्बर, हम रूल में ए बी लिखते हैं, वो ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, रूल तो सबके लिए चलेगा. वो आपको बताया गया है कि बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे वो 5 बेसिस हैं, चाहे वो 6 बेसिस हैं, उनके पावर्स एड होंगी. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है? आपने साथ साथ लिखा है तो इसको एक बार दोबारा से समझ लो ओरली. हियर क्वेश्चन वॉज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सबको करना आता है, यू हैव टू सॉल्व इट. ब्रेक करोगे, पावर मिलाओगे, बेस सेम करोगे, सॉल्व करते जाओगे. प्रॉब्लम वॉज राइट एज पावर ऑफ 10, हमने आंसर में 10 बेस लेके आना है, दैट वॉज अर्जेंट, ठीक है? सो नाउ 200 raised to power 8, 50 raised to power 8, इमीडिएटली इमीडिएटली आपको जो नंबर विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी फैक्टराइजेशन आपको समझ आ रहा है कि 2 into 100 हमने लिख दिया यहाँ पे. जैसे ही आप लिखोगे आपके दिमाग में और आएंगी बातें, नेक्स्ट स्टेप को मैं ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता है. वी रोट इट एज 2 into 100, वी रोट इट एज 5 into 10, एक्सपेरिमेंट 10, इट वाज 100, 100 को आपने 10 की फॉर्म में लिखा, 2 जीरोस हैं तो पावर 2 आ गई यहाँ पे, सो इट इज 2 into 10 raised to power 8. इसको हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि हमें 10 चाहिए था, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है बेटा? फिर हमने क्या किया, सबको खोल दिया, एक्सपैंड कर दिया, हमने सब नंबर्स को अलग अलग कर दिया ताकि हम 10 को सेपरेट कर पाए. जैसे इनको सेपरेट किया, वी केम टू नो कि ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी पावर सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, हमने रूल उसका लिखा हुआ है. इसलिए हमने यहाँ पे रूल लगाया कि उनको पावर बेसिस को हमने मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख दिया. दिस रूल यू अप्लाइड, इट वॉज फिफ्थ और सिक्स्थ, कौन सा रूल था ये आपकी लिस्ट में? कैन यू टेल मी फ्रॉम योर लिस्ट? कल एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, विच वॉज दिस? लॉ 4। लॉ 4, लिस्ट में आपने 4th नंबर पे लिखा था, तो वो रूल लगा के हमने इसको 2 into 5 10 में चेंज कर दिया. आपका आंसर एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ रहा है जैसा पूछा गया था, आपको 10 10 10 10 नीचे दिख रहा है. सक्सेसफुली आप अपने स्टेप पे पहुंच चुके हो. अब आपको पता है कि बेस सेम है, हमने पावर्स को प्लस कर दिया. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ओके? फॉलो द रूल्स, क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए यू विल बी एबल टू डू यूज इट, ओके बेटा? चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 इज सिंपल, 19 आई एम लिविंग इट टू यू, यू कैन डू इट. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 81 by 3 raised to power x इज इक्वल टू 9. दिस इज द क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग फाइंड एक्स. वट एवर इज गिवन टू अस, पहले हमने कॉपी डाउन कर लिया उसको. ठीक है, ट्राई कोई भी फंक्शन आ रहा है ना, पहले तो पढ़ाई कर रहे थे फॉर्म में लिखा करो, ट्राई करो हाउ टू स्टार्ट. पहला स्टेप, एक्सपेंशन फॉर्म, सभी को एक्सपेंशन फॉर्म में करना है। यस, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप. सी सेक्शन 7C, दीपिका, सी सेक्शन, कैन यू टेल मी द बिगनिंग, हाउ टू स्टार्ट? ओनली फर्स्ट स्टेप. जीविका यू आर नॉट देयर, ओके. प्रवीर, प्रवीर 7C, हाँ जी बेटे आ गया हो, टेल मी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड यू डू, क्या माइंड में आ रहा है आपका? एक्स तो चलो बाद में निकल ही जाएगा, शुरू कैसे करें इसको?
आर यू टेलिंग मी? कुछ माइंड में आ रहे हैं आपके? ओके, सिट डाउन. जी सेक्शन, अवनवीर. माइक, चेक योर माइक. व्हाट्स द प्रॉब्लम? एफ सेक्शन, दिवांश. सेन एफ सेक्शन, नवनीत. लोग नंबर्स की क्लास में कैन यू टेल मी बेटा फ्रॉम 7th B? क्लासेस कंबाइन एंड दे आर इन द स्लो ग्रामर क्लास. आई एम टेलिंग यू. कैन यू टेल मी हाउ टू स्टार्ट? आपके पास माइक है, इट्स इजी टू स्पीक अप. I'm still solving फर्स्ट स्टेप, सिर्फ मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ रही हूँ, बाकी तो चलो आगे तो मैं भी हेल्प कर दूंगी आपको. पहले, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या कर सकते हैं? कुछ थोड़ा सा हिलाना पड़ता है ना क्वेश्चन को, थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है कि चलो इसको इधर करते हैं, इसको वहां करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं. कुछ तो शुरू करो. आई कैन सी वन हैंड इन 7th B सेक्शन. यस बेटा, दैट सेकेंड बेंच गर्ल, बता दो. वेरी गुड. ओनली फर्स्ट स्टेप इफ यू हैव नॉट गॉन फर्दर. question. We will break 81 and 9 in exponential form. यस, व्हाट इट शुड बी देन? Ma'am, 81 should be 9 square and 9 स्क्वायर बाय 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9. मैंने बाकी का क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लिख दिया. इट दिस इज परफेक्ट स्टेप, शी टोल्ड मी करेक्टली. दिस इज द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन. वेरी गुड, सिट डाउन. वेरी गुड. नाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉट द क्लू व्हाट टू डू नेक्स्ट. आई एम हेल्पिंग यू हियर इन वन स्टेप. वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर x. वी हैव ट्रांसपोजिशन, वी हैव डन ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन, यू नो ट्रांसपोजिशन क्या होती है? यू हैव शिफ्टेड. सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम शिफ्ट कर सकते हैं नंबर को. वी हैव शिफ्टेड 9 ओवर हियर एंड 3x ऑन द अदर साइड. वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड. यू कैन पुट द एरोस टू अंडरस्टैंड. इट वॉज 9 बाय 1. ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 को नीचे लिख लिया और 3x को ऊपर ले लिया. वॉट नेक्स्ट? नाउ इट इज सिंपल. वेरी गुड. आपका माइंड सारे चैप्टर्स में घूमना चाहिए कि उस चैप्टर में ये पढ़ा था तो वी कैन अप्लाई. चलो, आई एम डूइंग फॉर यू देन. दिस इज रेज टू पावर 1. बेस इज सेम, वी कैन सबट्रैक्ट द पावर्स. ओके, इट इज 9 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x एक्स is equal to 3. एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू Three. चेक इट वंस. थोड़ा जल्दी कर लिया आपने, लिख के करो. ओवरऑल करने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, जब पेन रुक जाता है ना, पेन को स्टॉप नहीं करना आपने. कीप वर्किंग, कीप राइटिंग, आंसर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. वेरी गुड. आंसर Answer is 2. इज 2. आंसर इज 2. यू नो 9 इज 3 रेज टू पावर 2. दिस इज 3 रेज टू पावर x. यू आर इक्वेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. बेस इज सेम. दिस इज टेलिंग यू x इज इक्वल टू 2. एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस मोर. ये क्वेश्चन आपके घर पे नहीं होने थे, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. यू कैन लुक हियर, दिस वाज वेरी स्मॉल क्वेश्चन.
सबसे पहले पहला काम आपका है टू ब्रेक द बिगर नंबर, जो हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो बिगर नंबर इज 81 हियर। 81 को हमने लिख लिया 9 to the power 2। एवरीबडी नोज 9 9 81। ओरल आता है आपको करना। वी रोट इट इन पावर फॉर्म। पावर फॉर्म में लेके उसको लेके आना ही पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल का चैप्टर है, आपको पावर फॉर्म में नंबर को लेके आना पड़ेगा, राइट। 9 to the power 2 लिख लिया आपने। अब यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, टेक देम टुगेदर, इकट्ठा ले आओ उसको, शिफ्टिंग कर लो उसकी। जिसे इसको ये स्टेप समझ आ गया कि हमने 9 को नीचे लेके आए और 3x को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप। यू हैव अंडरस्टूड, ये है दिस थिंग यू हैव डन इन सिंपल इक्वेशन चैप्टर, किया हुआ इक्वेशंस में करते हो आप, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास बेस सेम हो गया, आपने इसको सॉल्व किया एंड एक्स इज इक्वल टू 2। 1 child told me x is equal to 3. That's why I say कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मेथड यू नो कैसे करना है। तो अपना पेन चलाते रहो, एक स्टेप लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो। डोंट रश टू द आंसर कि फटाफट हम स्किप करके आंसर लिखते हैं डायरेक्टली, नो। पेन चलाओ, लिखो, ताकि आपकी गलती ना हो। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 वेरी सिंपल, आई विल बी आस्किंग यू, ध्यान से पढ़ लो उसको बेटा। क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रूल आपके वही सेम ही लग रहे हैं बार बार। क्वेश्चन इज -7/9 रेज टू पावर, कॉपी डाउन द क्वेश्चन बेटा, 3 into 5 -8 -7 राइट एज पावर ऑफ 9। देयर इज अ कंडीशन, राइट एज पावर ऑफ 9। पावर ऑफ 9, ध्यान से अपना क्वेश्चन करते जाओ, पावर ऑफ 9 अपने आप आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, एक दो स्टेप करने पड़ेंगे हमें, तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आ रहा है कि हाउ व्हाट शुड वी डू इन द स्टार्टिंग। ई सेक्शन, अर्शदीप, सेवंथी, Yes. हाँ जी बेटे, हाउ हाउ वुड यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, यू आर डूइंग ओके। कैन यू, थोड़ी सी थॉट आ रही है आपके माइंड में कि लेट अस स्टार्ट लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप में आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या करें? जनरली क्वेश्चन में हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते हैं, उसको ब्रेक करके हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है, इट इज सिंपल 7 -7/9, बट पावर हमें बहुत बड़ी दिख रही है। व्हाट पावर बटो पहले उस पावर को शुड वी सॉल्व डू? पावर ओके बैठो, थिंक इट, आई विल कॉल यू अगेन। ई सेक्शन, थर्ड बेंच गर्ल, यस, सॉल्व द पावर एंड मैम वी विल आल्सो राइट 9 as 3 raised to power 2। -7/9 रेज टू पावर, सॉल्व द पावर। पावर मीन्स 15 -15, कौन, मैम ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, बट इट शुड बी, यू सेड -1 लाइक दिस, मैम, यस मैम, इट विल बी -1 इट विल बी -1 y -1, पावर द पावर इज 0। इज 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 is 1। वी रोट द रूल, वी रोट 1 raised to power 0 is 1, -1 raised to power 0 is 1, we wrote a raised to power 0 is equal to 1 for any a,
स्पेशली मैंने आपको लिखवाया था, कुछ भी हो। राइट, नेगेटिव को इवन पावर है, ऑड पावर है, तो हम ट्रीट करेंगे नेगेटिव को। जब पावर उसकी जीरो है तो इट हैज गॉन, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। -7 रेज टू पावर 0 इज 1, -81 रेज टू पावर 0 इज 1। फॉलो द रूल, वी रोट एनी ए, तो वो रूल यहां भी फॉलो होगा। नाउ यू राइट एज पावर ऑफ 9, यहाँ की 3 की पावर 2 लिखते हो या नहीं लिख रहे हो, डजेंट मैटर, आंसर तो आपका 1 ही आएगा। ओके, तो यू नीड नॉट कन्वर्ट इट, यू कैन राइट इट एज 9 ओनली, इसको 9 की फॉर्म में चलो, नो प्रॉब्लम। अगर आप कन्वर्ट कर भी लेते हो 3 रेज टू पावर 2 तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट आंसर तो आपका 1 ही आएगा ना। टिल हियर इट इज क्लियर? 2 स्टेप्स, रेज योर हैंड, इट इज क्लियर? वट एवर बेस इज देयर When power is zero, answer will be one. Very good, hands down. But problem हमारी ये है कि write as power of 9. Can we write it as power of 9? 1 को? We can write it as 9 raised to power 0. अगर उन्होंने बोला ही है कि 9 की पावर बनानी है तो हम लिख देते हैं 9 की पावर 0. आंसर में 9 दिखना चाहिए, हमने लगा दिया। ठीक है बेटे, जो कुछ पूछा गया उसके फॉर्म में आंसर बता दो। अगर वो पूछे कि राइट द पावर, राइट एज पावर ऑफ 7, तो आप 7 रेज टू पावर 0 लिख दो। राइट एज पावर ऑफ 10, तो 10 रेज टू पावर 0। आर द सेम 1 एंड 9 रेज टू पावर 0? कैन बी राइट इट इज लाइक दिस इन पावर फॉर्म? Who have understood this step? Raise your hand. Very good, very good. There is no doubt in this. ठीक है, जो आपको बोला गया है उसकी फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। Next question is 22. This is the scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको सिखाया गया है कि जितने भी हमारे बिग बिग नंबर्स होते हैं, हमने असर्शन रीजन में क्वेश्चन किया था कि दिस चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इज यूज्ड टू राइट वेरी बिग नंबर्स और टू राइट वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, 0 0 0, सो मेनी जीरोस आर देयर। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ताकि हमें बोलना भी इजी हो जाए और देखना भी इजी हो जाए। लेट अस सी हाउ मेनी जीरोस आर देयर काउंटेड। क्वेश्चन नंबर 22, 6502, 6502, कॉपी डाउन कर लो नंबर को पहले। Count it, how many zeros are there? How many zeros are there? Eight. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros are there. In this number, we don't see the decimal anywhere. When no decimal is seen, we know this is at the end. Automatically, you can put yourself. अपने आप लगा लो. If it is 71, we can write it as 71.0. When decimal is not there, at the end of the number, you can put your own decimal. राइट, 8159.0 इज 8159 ओनली। ठीक है,
डेसिमल की फॉर्म में आप उसको लिख पाओगे। नाउ यू हैव टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब यू हैव टू रिमूव दिस डेसिमल एंड ब्रिंग इट हियर आफ्टर द फर्स्ट नंबर। यू हैव टू मेक इट जंप डेसिमल वहां से घूम के 0.502 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6.502 इनटू 10 raised to power। टेन दिस वाज 8। यू टोल्ड मी कि दिस आर 8 जीरोस। देन 9, 10, 11। 11 11 नंबर्स को वो जंप कर रहा है, राइट? 8 आपके पास जीरोस थे और रिमेनिंग आपके पास नंबर्स थे, उन सबको जंप करके जब आप यहां पे आए लेफ्ट साइड पे तो आपके पास हो गया 6.502 इंटू 10 raised to power 11। अब आपने क्या किया इसमें, डेसिमल आपका कहां से आया? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आप इसका रूल लिख लो, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। दिस इज द रूल कि जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। ये रूल है आपका, चाहे रूल वाली लिस्ट में लिख लो चाहे यहां लिख लो। एंड लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव पावर इज पॉजिटिव, नेगेटिव। रिमेंबर, ठीक है बेटा? काउंटिंग तो आप कर लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने ध्यान से लिखना है। एक ये करते हैं हम, ये नेगेटिव पावर वाला 28th क्वेश्चन करते हैं। पहले 28th क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारी नेगेटिव पावर यूज हो रही है, ठीक है? उसके बाद बीच वाले और क्वेश्चंस करते हैं। यू नो दिस रूल ना, किया हुआ है अपनी क्लास में सर्टिफिकेट नोटेशन, की हुई है? रेज योर हैंड। यस, यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है और 10 की पावर कैसे बनानी है। रिमेंबर दिस रूल सो दैट आपको याद रहे कि आपके 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अभी एक 28th क्वेश्चन है जिसमें आपकी पावर नेगेटिव आ रही है, लेट अस डू दैट फर्स्ट। 28th इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00092 इंटू 10 raised to power 8। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप देख रहे हो कि 92 एक नंबर है हमारे पास, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। 92 से लेफ्ट साइड पे है जीरो, वी हैव टू शिफ्ट इट हियर, उठा के इसको हमने यहां पे लेके आना है। आप भी इसको एरो के फॉर्म में लिख सकते हो, नीटली एक एरो बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में भी बनाओ, डजेंट मैटर, ठीक है? दिस वे यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। जब आपका एरो ठीक प्लेस पे जा रहा है तो आपको काउंटिंग आपको इजी हो जाएगी, ठीक है बेटा? सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट 9.2 इंटू 10 raised to power। हाउ मेनी नंबर्स वी आर क्रॉसिंग, कितने नंबर जंप कर रहा है वो? 1, 2, 4। वी विल राइट 10 raised to power -4 इंटू 10 raised to power 8। ये क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के आते हैं अगर एग्जाम में, प्लीज ये एरो भी लगाओ ताकि गलती ना हो। ठीक है, अभी आपने ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने इसको प्रॉपर वे में लिखना है क्योंकि 10 की पावर आपकी 2 आ रही है यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले इसलिए करवाया, आपको ये पता चल गया कि -4 हमारे पास कहाँ से आ रहा है। नेगेटिव पावर हैज कम बिकॉज वी हैव अप्लाइड दिस रूल, लेफ्ट टू राइट, डेसिमल इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो पावर विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ यू कैन कंबाइन देम, बेस आपको सेम दिख रहा है, यू कैन राइट इट एज 9.2 इंटू
इंटू 10 रेज टू पावर 8 माइनस 4। आपने इसको बेस सेम है, पावर्स को आपने ऐड कर लिया आपस में, ठीक है। इट विल बी 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, दिस विल बी फाइनल आंसर, 9.2 10 रेज टू पावर 4। किसी को डाउट है इन क्वेश्चंस में, अभी पूछ लो आप खड़े होके। ये साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन इसी फॉर्म में ही आते हैं, कभी आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हो, कभी राइट टू लेफ्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आपको आता भी था ये पहले से? वी आर राइटिंग दिस रूल नाउ बिकॉज आपको कभी भूले नहीं। अभी एग्जाम में आपने इतने सारे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, तो ये छोटी छोटी बातें चैप्टर की भूल जाती हैं। एवरीबडी हैज रिटन दिस टू रूल्स ऑल्सो, रेज योर हैंड, हैव यू रिटन इट? यस। जब आपका रिविजन काम शुरू होगा एग्जाम के लिए, आपको क्विक आपके नोट्स आपके सामने होंगे कि ये रूल हमारे इस चैप्टर में लग रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा जो कंटिन्यू कर रहे थे, इट वाज क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन, 20, वेरी वेरी सिंपल। जल्दी से मेरे को सोच के बताओ क्या करोगे इसमें। एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 156, 156 एज पावर ऑफ प्राइम। अब यहां पर लिखे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इट इज सेम एज ये ऐसे भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि राइट 156 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देखो, आपके इतनी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी की वर्डिंग कैसी है, किसी की वर्डिंग कैसी है, ओके। पर ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, उसकी वर्डिंग चेंज हुई है बट मीनिंग इज सेम। 156 एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो आप कहाँ पे करते हो? जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हो, उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो, सबको पता है। स्टार्ट डूइंग। टू रेज टू पावर टू, थ्री रेज टू पावर वन, 30 रेज टू पावर 1। ओके लेट एवरीबडी डू, देन आई विल चेक। आई डोंट नो दिस इज करेक्ट और नॉट, बाकी बच्चे कर रहे हैं ना। आई वॉन्ट टू सी कि उसने ठीक बोला है कि नहीं। एवरीबडी डू इट, दिस इज इवन नंबर, यू विल स्टार्ट फ्रॉम टू, नो डाउट। शुरुआत तो आपकी टू से ही होगी। यस मैम, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। रेज योर हैंड हू ऑल हैव डन, किस किसने निकाली? बिल्कुल ठीक है। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करनी आती है। क्वेश्चन नंबर 24, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट अब आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ आ चुके हैं। नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर यू नाउ। -0.09 रेज टू पावर 2। अब इस क्वेश्चन के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये सिंपलीफाई करने हैं। 24, 25, 26, 27, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने सिंपलीफाई करने हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका 27 तक सारे के सारे सिंपलीफाई करने हैं। स्टार्ट डूइंग। यस वेरी गुड, यू आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस, अंडरस्टूड वेरी वेल मेनी थिंग्स। -0.09 रेज टू पावर 2, दिस इज डेसिमल नंबर,
आपको थोड़ा सा ये ट्रबल करेगा, तो इसको आपको इजी वे क्या है लिखने का, इजी वे स्टार्टिंग में आप इसको लिख सकते हो 0.09, डेसिमल हटा दो इसका, नीचे 100 लिख दो, रेज टू पावर 2, माइनस तो साथ में आएगा ही, अभी तक जब तक हम माइनस को अभी देख नहीं रहे उसको लगाते रहो, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि डेसिमल को कैसे डील करें, तो हमारे पास ये आ गया 9/100 रेज टू पावर 2। अभी हम आगे सोचेंगे, डेसिमल नंबर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया, ठीक है। यू नो इट विल बी 9/100, सबको डेसिमल रिमूव करना आता है, रेस्ट ऑल इज सेम, हमने और कुछ भी नहीं किया अभी इसमें। अभी आगे आप करोगे, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। 100 to 10 raised to power 2। थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ, 7th है खुशी। हाँ जी बेटे, समथिंग यू हैव डन। मैम 100 कैन बी राइट एज 10 raised to power 2। वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन। व्हाट एल्स, और क्या कर सकते हो? मैम 9 कैन बी राइट एज 3 raised to power 2। यस, शेल आई कंटिन्यू बाय राइटिंग माइनस हियर, माइनस लिखती रहूं मैं आगे आगे, या फिर इसको कलर में? वी कैन राइट -1 raised to power 1। कैन राइट -1 raised to power। अब आपको समझ आ गई है कि 1 को हमने ट्रीट करना है, तो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, -1 raised to power 2 आएगा ना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन की पावर 2 है। इज इट फाइन? पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमारे पास 2 2 2 पावर चल रही है, तो -1 की पावर भी 2 आ जाएगी, तो -1 raised to power 2 क्या बनेगा? क्या नहीं आएगा। बनेगा? ओके, लिसन टू मी वंस अगेन, आपका क्वेश्चन ये नेगेटिव में था और हमने नेगेटिव को साथ साथ लिखा सबके, ठीक है। साथ में हमने क्या किया, डेसिमल को पावर इवन 9/100 लिख दिया। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो बेटा? पावर इवन। पावर इवन, यस, वी नीड नॉट राइट इट, अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, -1 raised to power 2 इवन पावर है, स्टॉप हियर, इसको अभी पॉज लॉ करते हैं। 7। इट विल बी 3/10 raised to power 2 raised to power 2 मीन्स 3/10 raised to power 4। नेगेटिव हैज गॉन क्योंकि इसकी इवन पावर थी, ठीक है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को, तो इसको फिर सिंप्लीफाई भी कर दो आगे, अभी पावर में नहीं छोड़ सकते ना इसको, सिंप्लीफाई करके मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है। सी सेक्शन, हाँ जी, आपने निकाली है बेटी? मैम हाँ जी बताओ। 81/1000। नो, थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा करो। 10,000, यस, 81/10,000, इतनी मेहनत की है, अभी लास्ट में जाके क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 0.085। यस, यू नो देयर आर 4 जीरोस, 4 जीरोस, इट इज 10,000, राइट। अगर बोलने में गलती हुई है आई कैन अग्री, बट लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, यू नो देयर आर 4 जीरोस, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने इस क्वेश्चन में, जीरो लिखने में गलती नहीं करनी। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि आप सिंप्लीफाई कर रहे थे, हमने पावर को खोल दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब आपके अभी फुल मार्क्स नहीं मिल सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, बट नाउ इट हैज बिकम इजी फॉर यू, जैसे आपने डेसिमल को खत्म किया, ठीक है। नेगेटिव को ट्रीट करना आपको आ गया, ऑड पावर है तो साथ साथ नेगेटिव लगाते जाओ, आंसर तक लेते जाओ उसको, नेगेटिव को।
जैसे वो इवन पावर है नेगेटिव को खत्म कर दो। ठीक है, आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया ना, ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि दिस 3/10, 1 हैज गॉन, -1 -1 बाबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन 25, 25th क्वेश्चन, 25th, वेरी सिंपल, -100 raised to power 2, सिंप्लीफाई, -100 raised to power 2, 10,000 10,000। ये तो ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, पर अगर 2 नंबर का आता है तो थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा उसको आपको एक दो स्टेप पे उसको लिखना पड़ेगा। मान लो अगर 1 नंबर का भी है क्वेश्चन, तब भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना। व्हाट टू डू, यू कैन राइट इट एज -10 raised to power 2 raised to power, यू कैन से लाइक दिस, थोड़ा सा अपने स्टेप्स अपनी नॉलेज से लिख लो। ठीक है, तो आपको नेगेटिव खत्म हो गया, इट हैज बिकम 10 raised to power 4, एंड यू हैव रिटर्न इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 4 जीरोस, यू कैन पुट कॉमा आल्सो, बहुत बड़ा नंबर है तो हम कॉमा फॉर्म में भी लिख देते हैं उसको। ठीक है, वैसे ये एक स्टेप का ही क्वेश्चन था, बट कुछ तो लिखना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए, है ना। तो ठीक है बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ऑल द क्वेश्चंस यू हैव डन। ठीक है, यू कैन डू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट, यू नो हाउ टू डू। ओके, चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। बाय मैम। बेटा।